Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. In this video, we see the different logic gates used in PLC ladder logic diagram. In the last videos, we see the basic symbol of ladder logic diagram, then what is the PLC ladder diagram, also the different types of switch. So in this video, we see the what logic gates are used in ladder diagram. हमने नाम भी देखे थे कि AND gate, OR gate, NOT gate, NAND, NOR, XOR, XNOR ये gate use होते हैं. But उसका explanation आज हम देखेंगे. हम पहला gate देखेंगे AND gate, मतलब कि AND logic gate क्या होता है और उसका PLC diagram में कैसे use होता है. हमें सभी को तो है तो पता ही है कि logic gates तो सबने पढ़ा होंगे. 11, 12th में भी रहते हैं logic gates और वैसे भी physics या फिर जो आप डिप्लोमा करते हैं या फिर इंजीनियरिंग करते हैं तब भी आप लॉजिक गेट सीखते हैं. तो इसका यूज़ पीएलसी डायग्राम में होता है. तो कैसे होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो आज का हमारा पहला गेट है एंड एंड लॉजिक गेट. व्हाट इज़ एंड लॉजिक गेट एंड पीएलसी डायग्राम. इफ़ ऑल इनपुट्स इज़ हाई, एंड में क्या होता है, आपने ट्रूथ टेबल तो देखा होगा एंड गेट का, TFT FF जब होता है तब क्या रहता है, जबकि TT रहता है तो क्या होता है, तभी हमें T मिलता है. एंड में क्या कंडीशन होती है. सो सेम यहाँ पे हमने यहाँ पे 0101 किया और ये सिंबल है एंड गेट का. सो इफ़ ऑल इनपुट्स इज़ हाई, दी आउटपुट इज़ हाई. जबकि हमें दोनों इनपुट हाई मिलते हैं तभी हमारा आउटपुट हाई होता है. ये जो है ये सिंबल है एंड गेट का और इसको दो इनपुट दिए गए हैं, इनपुट ए एंड इनपुट बी, और वाई से हमें आउटपुट मिल रहा है. तो यहाँ पे हमने इनपुट में लिखा है 0011 और बी में लिखा है 0101 और यहाँ पे इनपुट मिल रहे हैं हमें 0001. अब ये कैसे मिलते हैं, जबकि हम एंड गेट का यूज़ करते हैं तब, जबकि दोनों इनपुट हाई होते हैं तभी हमें इनपुट हाई मिलता है. मतलब यहाँ पे देखिए दोनों 11 है तभी हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है और अदरवाइज 0 मिल रहा है. अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट में 0 मिलता है, 1 नहीं मिलता, मतलब कि फॉल्स मिलता है. यहाँ पे 00 है तो आंसर में आउटपुट में 0 है, 01 है तो भी 0 है, 10 है तो भी 0 ही है. और जबकि दोनों इनपुट सेम है, 11 है, हाई है, तभी हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है. तो ये कंडीशन है एंड लॉजिक गेट की. इसका यूज़ हम पीएलसी डायग्राम में कैसे करते हैं. तो यहाँ पे इनपुट दिए है हमने इनपुट ए एंड इनपुट बी और आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है. जबकि हम दोनों इनपुट मतलब ऑन करेंगे, इसमें से दोनों में से हम हाई इनपुट देंगे दोनों, तभी यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा. मतलब कि अगर हमने लाइट को कंसिडर किया तो ये लाइट तभी ग्लो होगा जबकि दोनों इनपुट हाई होंगे तभी. तो ये हुआ एंड लॉजिक गेट. उसके बाद है और लॉजिक गेट. और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एंड गेट का जब हम यूज़ करते हैं तब हम सर्किट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मतलब हम इनपुट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और जबकि और गेट आता है तब हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो ये है और गेट. और लॉजिक गेट एंड पीएलसी लैडर डायग्राम क्या है. तो ये सिंबल है और गेट का और यहाँ पे हमने यहाँ पर ट्रूथ टेबल लिखा है और इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन है. इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई, दी आउटपुट इज़ हाई. यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमें हाई मिलता है, और जबकि दोनों इनपुट लो होते हैं तभी हमें यहाँ पे आउटपुट में लो मिलता है. मतलब ये पूरा का पूरा अपोजिट है एंड गेट के. इनपुट ए एंड इनपुट बी यहाँ पे हमने क्या रखा है, ये पैरेलल में लगे रखे हैं और ये है हमारा आउटपुट. तो ये हुआ हमारा और लॉजिक गेट. यहाँ पे देखिए जबकि 0-0 है तभी हमें 0 मिल रहा है, बट कि यहाँ पे देखिए कि 0-1 है तो 1 है, 1-0 है तभी 1 है, और 1-1 है फिर भी 1 ही है. बट जबकि दोनों इनपुट लेस है, लो है, तभी हमारा आउटपुट लो मिल रहा है, वरना हमारा आउटपुट हाई ही मिलता है और गेट में. उसके बाद है व्हाट इज़ नॉट लॉजिक गेट एंड पीएलसी लैडर डायग्राम. अब नॉट गेट मतलब क्या, ये तो इनवर्स हुआ या फिर रिवर्स हुआ, मतलब ऑन है तो ऑफ और ऑफ है तो ऑन, मतलब 0 है तो 1 और 1 है तो 0, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू. नॉट गेट डिनोट्स इन्वर्टेड प्रोसेस. ये हमें इन्वर्टेड प्रोसेस दिखाता है. ये इसका नॉट गेट का सिंबल है. ऐसा ट्राइंगल रहता है और उसके ऐसा छोटा सा सर्कल रहता है और ये यहाँ पे हम एक ही इनपुट देते हैं और हमें यहाँ से एक ही आउटपुट मिलता है. तो ये हुआ हमारा नॉट गेट, नॉट लॉजिक गेट. हमने ए में इनपुट दिया 0 तो वाई में आउटपुट मिल रहा है 1, हमने ए में इनपुट दिया 1 तो वाई में आउटपुट मिल रहा है हमें 0. ये इन्वर्स होता है, इसलिए हमने क्या किया है कि ए पर ऐसी डैश रखी है, इसका मतलब होता है इन्वर्स. तो यहाँ पे देखिए आप,
हमने यहाँ पे सर्किट को क्लोज़ किया है तो हमें यहाँ पे आउटपुट में ज़ीरो मिल रहा है, और यहाँ पे हम जब ऑन करें ऑफ़ करेंगे तभी हमें यहाँ पे ऑन मिलेगा। तो ये हुआ हमारा ऑन लॉजिक गेट और नॉट लॉजिक गेट, सॉरी दिस इज़ द नॉट लॉजिक गेट एंड PLC लैडर डायग्राम। उसके बाद है व्हाट इज़ NAND लॉजिक गेट एंड PLC लैडर डायग्राम। NAND मतलब ये AND के अपोजिट होता है, मतलब NAND ये AND का निगेटिव होता है, या फिर हम उसे इन्वर्टेड AND भी कह सकते हैं। NAND गेट इज़ इन्वर्टेड AND गेट, यस इट इज़ करेक्ट। देन इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई द आउटपुट इज़ हाई, अगर इनमें से एक भी इनपुट हाई मिल रहा है हमें, हो हमारा एक भी इनपुट हाई तो हमें आउटपुट में हाई मिलता है। इफ़ ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज़ हाई। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और गेट जैसा नहीं है कि ऑल इनपुट्स आर लो देन दी आउटपुट इज़ हाई। जब और गेट में क्या होता था, दोनों इनपुट हाई है तो भी हमें हाई मिलता था, बट यहाँ पे दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट में लो मिल रहा है, मतलब 1-1 है तो 0 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों इनपुट क्या है, लो है तो हाई मिल रहा है, एक भी इनपुट हाई है तो भी इनपुट आउटपुट हाई मिल रहा है, और दोनों आउटपुट इनपुट हाई है तो आउटपुट में लो मिल रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड है AND गेट के। AND गेट में क्या होता था, जबकि दोनों इनपुट हाई मिलते थे तभी हमारा आउटपुट हाई आता था, वरना हमारा आउटपुट लो होता था, बट यहाँ पे अगर एक भी इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट में हाई मिल रहा है, और दोनों इनपुट अगर हाई है तो ये आउटपुट में हमें लो मिल रहा है। ये हुआ हमारा NAND गेट, ये भी हम पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं।